हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास पे क्वथनांक में उन्नयन का आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। कह रहा है गन्ने की शक्कर को, यानी गन्ने की शक्कर ही समझ लीजिए, शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते बेटा ये पता चलता है जिसकी मात्रा कम है यानी शक्कर वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा है यानी वो पानी वो विलायक है। घोलने पर विलायक का क्वथनांक जो है बेटा वो बढ़ जाता है। भैया क्वथनांक बढ़ गया। मैं अगर आपसे कहूँ जो जल होता है ना, जल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पर, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है, उस पानी पर जैसे आप कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हो, तो अवाष्पशील विलेय मिलाते ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो पानी उबल रहा है वो उसकी उबलन समाप्त हो जाती है, वो वापस नीचे बैठ जाता है। उसे उबालने के लिए वापस हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब विलयन का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा लगता है। विलयन का टेम्परेचर, उसको उबालने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं बेटा मैंने लिया जल, ये जल लिया मैंने 25 ml, ये जल है। अब इस जल को जब मैं बॉइल करूंगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होगा, लेकिन जैसे ही इसमें मैं अवाष्पशील विलेय यानी शक्कर को मिलाऊंगा तो इसकी उबलन जो है वो कम हो जाएगी, और उबलन जब कम हो जाएगी तो वापस इस विलयन को, अब शक्कर का विलयन बन गया है, शक्कर के विलयन को वापस उबालने के लिए बेटा हमको और अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। इसको बिल्कुल ध्यान से रखें, विलयन को उबालने के लिए अधिक टेम्परेचर लगता है जबकि शुद्ध विलायक को उबालने के लिए टेम्परेचर कम लगता है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या कहता है हमारा, तो कह रहा है क्वथनांक बढ़ जाता है यानी बढ़ा हुआ है। मैं अभी समझाऊंगा भी आपको। विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आपने क्वथनांक उन्नयन से संबंधित देखा था, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित फार्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों ये है फार्मूला। मैं एक एक पहले बातों को स्पष्ट करूंगा चूंकि पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। जहां बेटा डेल्टा टीबी कैसे निकलता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी टू माइनस डेल्टा टीबी वन, इस फार्मूले से निकलता है। जहां पर डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक में बढ़ोतरी, तो ये देखिए विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी डायरेक्टली डेल्टा टीबी का मान दे दिया है, हमको इसके और इसके झमेले में नहीं पड़ना है, सीधे डेल्टा टीबी का मान दे दिया। आगे केबी क्या है बच्चों, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, जहां स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, जहां पर स्मॉल एम विलेय का अणु भार, और बेटा कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार यानी कि जल का भार, विलायक का ये फार्मूला है जिस पर हमें काम करना है बच्चों। तो बच्चों कह रहा है गन्ने की शक्कर का 1.7 ग्राम यानी W की वैल्यू 1.17 ग्राम दी है, फिर 25 ग्राम जल में घोला गया है यानी विलायक की मात्रा कैपिटल W भी दिया है 25 ग्राम, फिर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है यानी डायरेक्टली डेल्टा टीबी का मान दिया है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, के भी पूछ रहा है,
केबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद गन्ने की शक्कर, गन्ने की शक्कर यानी विलेय, विलेय का अणुभार दिया है, विलेय के अणुभार को एम से प्रदर्शित करते हैं 342। इसी फार्मूले से हमें केबी निकालना है, पक्षांतर करते हैं बेटा, केबी को वहीं छोड़ देते हैं, केबी इज इक्वल टू ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये बटे में आ जाएगी, तो डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपार स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। ये अब वैल्यू को पुट करते हैं, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी की वैल्यू दे दी है बच्चों 0.017 इंटू स्मॉल एम की वैल्यू दी है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार यानी कि स्मॉल एम ये है 342। फिर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार 25 ग्राम ये दिया है। इसके बाद फिर स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार 1.17 ग्राम है इंटू 1000, ये इतनी वैल्यू आपको यहां पुट करना है। इसके बाद बेटा जब आप इसे हल करेंगे तो के बी इज इक्वल टू निकल के आएगा 0.124 डिग्री, के बी की वैल्यू निकल लिखनी है डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। ये आ गया बच्चों के बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। बेटा ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं आप। एक कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक बेटा कार्बनिक थोड़ा गलत लिखा है, ये छोटी भी इधर आनी चाहिए, ठीक है आप सुधार लीजिएगा, मैं स्टार बना देता हूँ। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में, जलीय विलयन बनाया गया है बेटा, जलीय विलयन बनाने के लिए क्या क्या लगता है, विलेय और विलायक, तो विलेय की मात्रा है 3 ग्राम तथा विलायक की मात्रा है 50 ग्राम, ये दोनों आपस में घुल गए बेटा। आप 50 ग्राम जल में जब विलेय घुल जाएगा तो विलयन बन जाएगा, तो दिख रहा है 50 ग्राम जल में घुला है, अब घुल गया तो घुलने के बाद का क्वथनांक, घुलने के बाद का क्वथनांक यानी विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको पता है विलयन का क्वथनांक हमेशा विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है और विलायक का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, m बताना है, जबकि kb का मान दिया है, kb 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल, ठीक है। कैसे क्वेश्चन हल करेंगे बेटा, फार्मूला सेम, डेल्टा tb इज इक्वल टू kb इनटू स्मॉल w इनटू 1000 बाय स्मॉल m इनटू कैपिटल w। यहां पर फार्मूला हम निकाल सकते हैं डेल्टा tb फाइंड करने के लिए, डेल्टा tb इज इक्वल टू डेल्टा tb2 माइनस डेल्टा टीबी वन, ये डेल्टा टीबी टू डेल्टा टीबी वन, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि आपको विलयन के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आपको वहां पर क्वथनांक का उन्नयन मिलेगा, वहां पर लगभग आपको कंप्लीट वीडियो क्वथनांक के उन्नयन की मिलेगी, जहां पर एक एक चीज़ों को मैंने बहुत ही विस्तार से बखूबी और फार्मूले को कैसे बनाना है वो सब सिखाया बच्चों, ठीक है। तो देखिए डेल्टा टीबी टू है विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, तो डेल्टा TB is equal to 100.51 minus delta TB1 यानी जल का क्वथनांक, ये तो हमेशा फिक्स है आपको याद ही रखना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसे आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, डेल्टा TB is equal to 0.51 आगे आपका डेल्टा TB की वैल्यू आपको मिल गई, तो डेल्टा TB की वैल्यू आपको मिल गई डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे क्या कह रहे हैं, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, m निकालना है, m is equal to क्वेश्चन मार्क यानी विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू दिया है कितना 3 ग्राम, जबकि विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू दिया है 50 ग्राम। इसके बाद क्या दिया है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है, के बी दिया है 0.51, ये वैल्यू आपको मिल गई बेटा। एम निकालना है, एम को यहाँ ले आइए, डेल्टा टी बी को वहां पर कर दीजिए बिल्कुल सीधा सा, तो m is equal to kb into small w into 1000 by delta tb into capital w, m is equal to kb की वैल्यू दी है 0.51 into small w की वैल्यू दी है बच्चों
3 ग्राम इंटू 1000 अपन डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी आपने फाइंड किया है 0.51, ये यहाँ से निकल के आया है। इसके बाद फिर आपको मिल रहा है इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है आपका बच्चों 50। बेटा ये और ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है। एम इज इक्वल टू 300 बाई 5 और ये हो गया 60। ठीक है, तो एम की वैल्यू आपको मिल गई 60 ग्राम प्रति मोल। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान और कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन फिर से एक देखिए बोर्ड पर, ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझो। 9 ग्राम ग्लूकोज को यहां पर स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है 9 ग्राम, 500 ग्राम जल में घोला गया है, कैपिटल डब्ल्यू पता है 500 ग्राम घोला गया है, प्रेशर दिया है, किस दाब पर विलयन बना है 1.013। क्योंकि जिस फार्मूले का बच्चे हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें प्रेशर दाब लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब इस बार आप कुछ भी फोकस न करें, एक दाब पर ही विलयन बनाया गया है, इस दाब की उपस्थिति पर विलयन बनाया गया है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, इस दाब पर विलयन का क्वथनांक बताना है भैया, विलयन का क्वथनांक, और विलयन के क्वथनांक को मैं किससे दर्शाता हूँ, डेल्टा टीवी टू से, तो डेल्टा टीवी टू पूछ रहा है आगे। अब डेल्टा टीवी टीवी टू कैसे फाइंड होगा, फार्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी टू माइनस डेल्टा टीवी वन। बच्चों अगर मैं डेल्टा टीवी का और डेल्टा टीवी वन पता कर लूं तो डेल्टा टीवी टू पता चल जाएगा। तो डेल्टा टीवी वन क्या है, डेल्टा टीवी वन क्या है, तो डेल्टा टीवी वन क्या है, जल का क्वथनांक। तो भैया जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन जल का क्वथनांक अभी किसमें, केल्विन पर दे रहा है, तो हमको सेंटीग्रेड की वैल्यू, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को केल्विन में चेंज करना है। तो क्या फार्मूला होता है, के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, ये फार्मूला है। तो सी की जगह जल का क्वथनांक 100 है, सी की जगह 100 करते हैं, के इज इक्वल टू 100 प्लस 273.15 ऐड होगा बच्चों, के इज इक्वल टू 373.15। ये जो K है ये जल का क्वथनांक है, यानी ये वैल्यू किसकी है बच्चों, जल के क्वथनांक की है। ठीक है, अब टीवी पता चल जाए, टीवी पता चल जाए, तो टीवी कैसे पता करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला पुट करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू क्वेश्चन पर दी है ये 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय का भार 9 ग्राम बच्चों, ये 9 ग्राम इंटू फिर 1000 बाई स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, अणु भार किसका, ग्लूकोज का। तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज का अणुभार निकालोगे तो 180 आएगा। कुछ वैल्यूज हैं जो आप सवाल करते करते आपको याद हो जाएगी, ग्लूकोज का अणुभार निकालने के लिए मैं आपको जनरली एक प्रोसेस बता देता हूँ कैसे निकालना है। C6H12O6, 6 इंटू 12 कार्बन की संख्या गुणे इस कार्बन का भार, प्लस 12 गुणे 1 का हाइड्रोजन की संख्या गुणे हाइड्रोजन का भार, प्लस 6 गुणे 6 ऑक्सीजन की संख्या और उसका भार 16, हल करेंगे 180 आएगा। ठीक है, तो 180 M की जगह पर 180 इंटू कैपिटल W विलायक का भार है बच्चों, और विलायक का भार 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ले 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और ये वैल्यू बिल्कुल, तो यहाँ सीधे सीधे कैंसिल हो रही है बेटा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो रही है बिल्कुल सीधा, बस हमारे पास क्या बच रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 9 बाई 18 इंटू 5, इतनी वैल्यू बच रही है। अब इसे यदि हम हल करते हैं तो बच्चों इसे जब हम हल करेंगे तो आएगा 0.052 केल्विन पर आया। ठीक है, अब टीबी की वैल्यू पता चल गई, हमको निकालना क्या है, विलयन का क्वथनांक पता करना है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, तो डेल्टा
TB is equal to delta TB2 minus delta TB1. TB की वैल्यू है 0.052 is equal to TB2 की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस डेल्टा टी बी वन की वैल्यू अपने यहां से निकाली है ये कैल्विन पर 373.15 इसको निकालना है माइनस की वैल्यू यहां पर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगा डेल्टा टी बी टू इज इक्वल टू 0.052 प्लस 373.15 ऐड करेंगे तो आएगा डेल्टा टी बी टू इज इक्वल टू 373.202 केल्विन। ठीक है, ये आ गया आपके विलयन का क्वेश्चन। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड देखते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चनांक के उन्नयन से रिलेटेड वीडियो समाप्त होगी। बस एक क्वेश्चन और, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक जली विलयन बन चुका है जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है और एम ग्लूकोज का एम दिया है, ग्लूकोज का अनुभार दिया है 180। तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला है तो बन गया विलयन, और विलयन का क्वेश्चनांक है 100.34 तथा शुद्ध जल ग्लूकोज घोलने से पहले जल का क्वेश्चनांक कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जल के लिए केवी ज्ञात करो। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना, केवी की जगह पर मोलर उन्नयन स्थिरांक भी दे सकता था, और शुद्ध जल की जगह पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना देता तो आपको हमेशा याद ही रखना पड़ता 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टीबी हम निकालते हैं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी टू माइनस डेल्टा टीबी वन। तो TB2 क्या है, विलयन का क्वेश्चनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा TB इज इक्वल टू 100.34 ये है वैल्यू, माइनस TB1 की वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रखेंगे डेल्टा TB2 इज इक्वल टू हो गया 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, TB की वैल्यू आपको पता चल गई। इसके बाद निकालना क्या है आपको, KB, तो सारी वैल्यू को और पता कर लें, TB आप जान गए, KB आपको निकालना है, KB is equal to question mark small W विलेय का भार 12 ग्राम, फिर विलायक का भार दिया है 100 ग्राम तथा विलेय का अणु भार दिया है 180 का। ठीक है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, पक्षांतर करेंगे तो KB is equal to डेल्टा TB into small m into capital W by small W into 1000 ये हो गया, तो KB is equal to, तो KB is equal to डेल्टा TB की वैल्यू है 0.34 into small m 180, कैपिटल W है 100, फिर small W है आपका 12 ग्राम और ये है आपका 1000। बेटा ये और ये यहाँ से कैंसिल करें, ये और ये यहाँ से कैंसिल करें, बात खत्म, आपका आ गया KB is equal to 0.34 into 18 by 12 और इसे हल करेंगे तो आएगा KB is equal to 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलन। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आपको हल करना है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, धन्यवाद।